वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियो में मैं बताया कि मेरे दुकान में क्या क्या चीज़ आप पा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। प्लम्बिंग का बहुत कुछ चीज़ मिलता है, बहुत कुछ मतलब सब कुछ ही मिलता है आपको इधर। पर मैं आपको एक नया इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत लोग मुझको पूछते हैं कि ये सिंक जो होता है उसका वेस्ट कपलिंग ख़राब हो गया, उसका सिंक वेस्ट ख़राब हो गया, उसको चेंज कैसे करना है, वो खुद काट करेंगे कि नहीं, ये भी पूछता है। तो इसी बारे में मैं आज बात करूँगा। तो मैं एक वीडियो बना के आपको दूँगा, आप देख के खुद ही आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई मिस्त्री वगैरह नहीं लगेगा, आप ये खुद कर सकते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं जल्दी से उसको कैसे फिट करते हैं, नया सिंक कैसे लगाना पड़ेगा, सिंक वेस्ट कैसे लगाना पड़ेगा, और किसको क्या कहते हैं। बहुत सारे चीज़ लगता है, सिंक वेस्ट लगता है, वेस्ट कपलिंग लगता है, सक्शन पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप लगता है, टेफ्लॉन टेप लगता है, ठीक है, मैजिक पाइप भी लगता है। पर जो चीज़ है अलग अलग है, जिसको जो पसंद है वो ही लगाते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस क्या लगेगा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ लगता है, ठीक है। ये आपका सिंक वेस्ट है, 3 इंची का सिंक वेस्ट, ये आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये थ्रेड सिप, ठीक है, ये टेफ्लॉन टेप भी कहते हैं, ये भी लगेगा। इसको कहते हैं मैजिक पाइप, कोई कोई इसको चाइना पाइप भी कहते हैं, ये भी लगेगा। और सक्शन पाइप भी लग सकता है, और इसको कहते हैं वेस्ट कपलिंग, ये भी लग सकता है। तो पहले देख लेते हैं कैसे आप, पहले से जो सेटिंग होता है ये ऐसा होता है, ये आपका सिंक मान लीजिए, ठीक है, ये 1416 सिंक है, ये सुप्रीम का सिंक है, ठीक है, एसएस प्योर एसएस का। तो आपका मान लीजिए ये सिंक हो गया, सिंक का वेस्ट कपलिंग हो गया खराब, ठीक है। तो फिर आप कैसे वो ठीक करेंगे, ऐसा सेटिंग रहता हुआ है, ठीक है। तो फिर पहले आपको क्या करना है, ये खोलना पड़ेगा, ये आपको इधर से खोलना पड़ेगा, ये आपका इधर से, ठीक है। अभी देखिए ये रहता है आपका, मान लीजिए ये जो वेस्ट सिंक वेस्ट है ये आपका ख़राब हो गया, इसको चेंज करना है। इसे इसको कैसे खुलना है, पहले करना क्या है, इधर जो ये चीज़ है ये खुलना पड़ेगा, ये ऐसा रहता है, इसको काटने से ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए एक नॉब है, इधर एक नॉब है, ठीक है, ये नॉब को ऐसे घुमाने से ये नाट जो है ये आपका खुल जाएगा, ठीक है, ये नीचे से निकल गया आपका। अभी मान लीजिए आपको नया लगाना है, कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये मान लीजिए नया चीज़ है, तो आपको पहले ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये जो नॉब है इसको इधर से खोलना पड़ेगा, जैसे हम पहले दिखाया हुआ हो, ये आपका खुल गया। इसके बाद ये जो चीज़ है, ये रबर और ये जो चीज़, ठीक है, ये प्लास्टिक वाला चीज़ और रबर दोनों जाएगा नीचे, और ये वाला जो चीज़ है ये जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये नीचे में ऐसे लगा देना, ठीक है। इसके बाद ये जो नॉब है इसको इधर लग गया, इसको टाइट करना पड़ेगा, ये हो गया आपका सिंक वेस्ट फिट हो गया आपका, ठीक है। अभी देखिए ये पूरी तरह से फिट हो गया, इसके बाद ये लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर जो है, इधर आपको टेफ्लॉन वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं तो इधर से ये लीकेज होगा, तो इसको कहते हैं टेफ्लॉन। तो फिर ये आपको ऐसे लगाना है, इसको थ्रेड सील भी कहते हैं, ये आपको लगाने हैं ऐसे, ठीक है।
ये आपका ऐसे लगेगा, नहीं तो इधर से लीक होगा, ठीक है, पानी लीकेज होगा इधर से, ऐसे लगाना है आपको। इसके बाद आपको ये जो वेस्ट पाइप है, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, इसको चाइना पाइप भी कहते हैं, मैजिक पाइप भी कहते हैं, ये आपका लग गया। पर ये जो चाइना पाइप होता है ये 3 फुट का ही होता है, ठीक है, इसको खींचने से पहले ये मान लीजिए ये छोटा जो दिख रहा है आप, ये खींचने के बाद आप देखेंगे ये 3 फुट हो गया, ठीक है, उसके बड़ा ये नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आपका जो 5 फुट और 6 फुट जब लगेगा तो आप क्या करेंगे, तो फिर ये नहीं लगेगा, ये मैजिक पाइप आपको नहीं लगेगा, आपका जब लगेगा ये वेस्ट कपलिंग, ठीक है, ये वेस्ट कपलिंग ऐसे ही लग जाएगा। इसके बाद इधर आपका लग जाएगा फ्लेक्सिबल पाइप, और आप ये सक्शन पाइप भी लगा सकते हैं, ठीक है। सक्शन पाइप लगाने का एक फ़ायदा है, ये चूहा वगैरह ये काट नहीं पाएगा और फ्लेक्सिबल पाइप काट देगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप ये कर सकते हैं, ऐसे लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं, नया चीज़ हो जाएगा आपका पूरी, ये चेंज कर सकते हैं आप, खुद ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई मिस्त्री वगैरह नहीं लगेगा। ऐसे होता है, ये खोल सकते हैं, इसके बाद ये खुलना है तो फिर आपका पूरा सेटिंग खुल जाएगा, यही बात है, ठीक है, कुछ बड़ा बात नहीं है, इजी बात है। आप एक बार देख लीजिए तो ये आपके पास पूरा के पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। तो आपका सिंक ऐसे फिट होता है, ऐसे लगेगा आपका सिंक बहुत, सिंक का बहुत साइज होता है, ठीक है। मैं जो दिखाया हुआ वो आपका 14-16 सिंक था, इसके बाद आपका 18-16, 17-20, 12-15 बहुत सारे साइज में आपको सिंक मिल जाएगा, उसका वेस्ट कपलिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपका 4 इंच का सिंक वेस्ट है, मैं जो आपको दिखाया हुआ वो 3 इंच का था, ये 4 इंच का है, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। इसका प्राइस वो 80 से 100 रुपया तक होता है, ठीक है, ये ब्रांडेड माल है, तो आपको ये बाज़ार में मिल जाएगा। और जो 3 इंच का जो सिंक था वो ये था, ये आपको बाज़ार में वो 70 से 90 रुपया तक मिल जाएगा, ठीक है, साइज अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपका जो चीज़ है वो इधर जो थ्रेड सील लगाया था तो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से लीक करेगा, ठीक है। और इसके बाद भी आपको लीक होता है तो आपको एमसील वगैरह व आपका वो सिलिकॉन जो होता है वो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंक ऐसे फिट होता है, उसके बाद शायद वो लीक नहीं करे, ठीक है, बाज़ार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे सिंक फिट होता है, आप लीकेज भी सड़ा सकते हैं, ठीक है, आप खुद ही कर सकते हैं ये सब, और कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आपके पास आऊँगा, जल्दी आऊँगा, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट के साथ आऊँगा आपके पास, ठीक है, थैंक यू।